हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात करते हैं इस जगह निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, अभी जो चार्ट मैंने ओपन किया है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस जगह अगर आप देखो तो ये निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी कैसी हो सकती है इसके बारे में बात करिए। आज जो हमको सेलिंग देखने वाली ना, इसमें कुछ रीजन हमारे थे और बहुत सारे रीजन अमेरिकी मार्केट से थे। कौन से रीजन थे इसके बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ FIS और DAS का जो डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या इसका जो अभी चार्ट पैटर्न है इसमें कुछ दिक्कत आई है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप देखो नीचे से इसके लो से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो यहां से हमको क्या दिखाई देता है, अभी भी जी अपने ट्रेंड लाइन के अंदर है। ठीक है, एक जो हमारे लिए पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्या है इसको अपन समझते हैं। तो नेगेटिव के लिए देखिए, कल जो कैंडल बनी थी, कल की कैंडल आपकी यहाँ पर क्या था, रेड कैंडल थी। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया कि जो रेड कैंडल है वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, वो कई बार पॉजिटिव होता है। अब देखिए, कल की कैंडल क्या थी, इस तरीके की थी। ठीक है, जो कैंडल थी आपकी और इसका जो आपका बिग था वो नीचे की साइड था। ठीक है, एक बिग आपको ऊपर की साइड देखने वाला। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे से जो आपके बायर थे, जो कल के दिन आपको बाजार ऊपर खींच के ले गए थे, ठीक है, लेकिन आज के दिन बाजार में क्या हुआ इसको भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है। और हमने शुरू से यही सीखा है कि जो रेड कैंडल होती है वो सेलिंग के लिए दिखाता है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आज की जो कैंडल है वो बिग आपका ये दिखाई दे रहा है, फिर बॉडी आपको नीचे की दिखाई दे रही है और इसके नीचे छोटा सा बिग और है। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ऊपर इतने सेलर हावी थे कि बाजार को नीचे की साइड लेकर आए। ठीक है, और आपने देखा होगा शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में हम बहुत नीचे ओपन हुए थे, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल हमको देखने वाली, बाजार ऊपर की साइड आया। अब देखिए, कल मैं आपको दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करके गया था, ज़्यादातर मैंने इस पर फोकस भी किया था कि ये वाला जो प्राइस है जो आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, जो आपका 52,000 का, ठीक है, 52,000 का जो हमारा प्राइस है, ये एक अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई साइक्लो कोई इम्पोर्टेंट लेवल है या नहीं, वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो 52,000 का एक लेवल है। अब ये मैंने कल क्लियर किया था, अगर ये आपका 51,000 का नीचे का था, अब वो हमारा सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, उसके नीचे जाते हैं 50,000 तो वो हमारा मजबूत सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं 53,000 तो वो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस तरीके से जो राउंड नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर अपना खुद का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जैसे चीज समझ में आई। अब इसको अपन देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे ये कैसा दिखाई देता है। तो 5 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे देखें, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये चार्ट है, इस चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या चीज़ें क्लियर हो रही है इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि बाजार आपका ओपन हुआ और नीचे की साइड ओपनिंग देखने को मिली। आपको याद होगा कल का मेरा कल का वीडियो था या एक दिन उससे पहले का वीडियो हो सकता है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था नीचे आता है और आपको मिलता है 51,800 के पास, तो उस जगह हम बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, आप पहले से रिलैक्स हो कि भाई नीचे आएगा, मैं आराम से बाइंग हो गया, मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो नीचे आने दीजिए। 51,800 के आसपास हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट था, बाजार को भी पता था। आज क्या हुआ, अमेरिकी मार्केट के वजह से हम गिरे। क्यों गिरे, उनके खुद के रीज़न थे, क्योंकि अभी क्या है, देखो अमेरिकी मार्केट बड़ा मार्केट है। ठीक है, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब वहाँ पे एक बिल पास हुआ, उन्होंने कंपनी को जाके बोला कि आप सुनो, आप बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आप बाहर क्यों शेयर कर रहे हो। कंपनी को बोला कि अब आपको शेयर नहीं करना है, आपको सेल नहीं करना है, वो और उस सेल को थोड़ा रोक दिया। ठीक है, जैसे कि आप समझ के चलिए कि पहले उनकी फुल कैपेसिटी पे उनकी सेल हो रही थी, 100% पे उनकी सेल हो रही थी, अब उनको बोल दिया कि इन इन देशों को आपको सेल करना है और इन इन देशों को आपको सेल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी हर किसी को सेल करना चालू कर दोगे
तो फिर हमको कौन पूछेगा, ठीक है, या फिर उसका वो थोड़ा ये समझ के चलिए कि उसका वो गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, गलत चीज़ों को भी लेके चल सकते हैं। अब कंपनियों को मना कर दी, ठीक है, सरकार ने मना की, सरकार ने कुछ अच्छा देखा होगा, कुछ गलत देखा होगा, इसलिए मना किया। अब कंपनियों को क्या लेना, उनको कोई चीज़ नहीं लेना देना, उनको लेना देना है कि भाई मेरा प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। अब जब सरकार ने मना किया, रोक लगा दिया, तो उनका प्रॉफिट कम हुआ, जिसके वजह से जो नेकडेस है उसमें ज़्यादा सेलिंग देखने वाली, मैं आपको देखिए सेलिंग भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा सेलिंग आपको वहाँ पे देखने वाली, जिसके वजह से क्या हुआ कि अमेरिकी मार्केट जो टूटे वो अच्छे खासे देखे टूटे और अच्छी खासी हमको वहाँ पे सेलिंग देखने वाली। अब देखिए सेलिंग कैसी देखने वाली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा, 324 पॉइंट आपका नीचे है, ऑलमोस्ट देखिए 1% के आसपास, और इसको हम कहते हैं डाउ जोन, ठीक है, डाउ जोन नीचे है, लेकिन इस जगह अगर आप देखोगे तो 1% से ज़्यादा हमको यहाँ पे सेलिंग दिखा रही है, जो कि नेकडेस है, ठीक है। नेकडेस का अगर आप पैटर्न भी देखो ना, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू सेलिंग, देखिए कंटिन्यू सेलिंग, फिर उसके बाद सेलिंग आया और यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ, तो SPM 500, अब जो SPM 500 है ना, उसके अंदर 500 कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी देखो अच्छी खासी सेलिंग देखने वाली। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अमेरिकी मार्केट में जितने भी नतीजे आए हैं, अमेरिकी मार्केट में जितने भी कंपनी के नतीजे आए हैं, वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, और जिसके वजह से हमने एक रैली दिखाई थी, लेकिन अब वो गिरेंगे तो हमको भी थोड़ा बहुत तो गिरना पड़ेगा। कि आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आया होगा। देखिए हमको है ना सिर्फ टिप नहीं लेना है, और हमको सिर्फ लेवल नहीं समझना है, जो मार्केट का रीजन है, जो बैग में काम हो रहा है, जो बैग में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके वजह से ये चार्ट चल रहे हैं, जिसके वजह से ये पैटर्न बन रहे हैं, हमको उन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब देखिए मॉर्निंग में अगर आप लाइव स्ट्रीम पे हो गए, तो अगर नहीं हो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हम लाइव स्ट्रीम पे भी आने लगे हैं, आप सुबह 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में आपका इस प्राइस पे बाज़ार ओपन हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या था, वही प्राइस के आसपास का था, 51,800, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। बैक टू बैक कैंडल बना, अच्छा कैंडल बना। अब देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख ली, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाइंग नहीं कर पाए, फिर हमारे लिए एक ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंट प्राइस बना था, जो कि 52,000 का हमको देखने को मिला था। एक बार ऐसा वाली कैंडल को देख के कि जी इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे वेट एंड वॉच किया, और फिर उसके बाद देखिए एक सेलिंग करने का हमारा प्लान बना, और वहाँ से देखिए लगातार हमको सेलिंग देखने मिली, ठीक है, ये सब चीज़ें आज के दिन हुई। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करो ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलीडिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है कि अब इसने अपने साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, जो एक जो ट्रेंड लाइन जा रही है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। अब हम कल क्या कर सकते हैं, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि आपका 51,920, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है या इसके ऊपर अगर ये निकलता है, तो फिर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इस वाले लेवल को हम कल देख सकते हैं या इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आज जो अमेरिकी मार्केट में हुआ, आज जो चीज़ें देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट हमको आज के दिन देखने को मिल चुका है, ठीक है। या फिर आपका इस वाले लो को अगर ये ब्रेक करता है, जो कि आपका 51,800, ठीक है, आज के दिन भी हमने देखा इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, अगर ये इसको कल के दिन ब्रेक करता है, तो फिर आपको जो नीचे सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 51,666, फिर आपका 51,555, और फिर आपका 51,444, ठीक है, यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी यहाँ तक हमारा क्या है, नीचे की साइड सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस के बारे में कैसे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले आपको क्या लगाता हूँ, वन आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये आपका वन आवर्स का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया था कि बाजार इस ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें हो चुकी है, बाजार गिर चुका है, बाजार में ये हो चुका है, वैसा हो चुका है, नहीं, चार्ट को देखिए, प्राइस को देखिए, प्राइस क्या कहना चाह रहा है,
तो प्राइस कहने चाह रहा है कि मैं भाई इस वाले जो ट्रेंड लाइन जो हमको दिखाई दे रही है, मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, यहाँ पर ये फॉलो दिखाई दे रहा है। अगर नीचे आता भी है तो फिर हमको इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता के रखा आगे। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो ऊपर रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट है, और ये प्राइस कैसे आएगा, जो कि आपका ये वाला जो प्राइस था आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला प्राइस कब आएगा आपका, जो कि 52,400 का था, ये आपका जब देखने को मिलेगा जब ये इस वाले कंसोलिडेट जोन में से निकलेगा। आपने शायद गौर नहीं किया, जब इसका ओपनिंग था, जो ओपनिंग वाली जो वन आवर्स की कैंडल बनी है, जब वन आवर्स की जो कैंडल बनी है ओपनिंग में, उसी के अंदर बाजार ने काम किया है, उसी के अंदर बाजार ने काम किया है, ना उसके लो को ब्रेक किया है, ना उसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, उसी के अंदर काम किया है। अब हमको ये देखना है कि जो अगर हाई को ब्रेक करता है तो हाई को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक जा सकता है, जिसमें हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे इसके 52,200 और जिसमें देखिए 52,444, ठीक है, यहाँ तक हम ऊपर की साइड अप साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब FIS की बात कर लेते हैं, तो FIS क्या कहना चाहते हैं और DIS का अभी क्या होते हुए दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि FIS का जो डेटा था उसमें देखिए फिर से हमको सेलिंग देखने वाले, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 63,874 के समथिंग देखें हमको यहाँ पे अभी तक सेलिंग देखने मिल चुकी है, ठीक है, जो कि आप देखोगे तो 15 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम DIS का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए DIS ने अब की बात थोड़ी कम खरीदारी की है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको पहले बोला था और आपको समझाया था कि FIS नहीं बाइंग कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मत बाइंग करो, बस DIS बाइंग करना कम नहीं करना चाहिए। अगर DIS ने बाइंग करना कम किया या DIS ने माल खरीदना कम किया, वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, वो हमारे लिए मार्केट के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक कर सकता है, वह इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आज का डेटा कैसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखो परसेंटेज वाइज तो आपका 61,725 करोड़ का माल अभी खरीदा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आज का माल ऐसा लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा बिक चुका है, ठीक है, ज़्यादा बिचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्यों बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। निफ्टी के पैटर्न को आप समझिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री डीमैट अकाउंट के भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसको अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी तक अगर हम निफ्टी की बात करें तो अभी तक ये इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है। ये बॉक्स है, देखिए कल का आप कैंडल देखोगे तो इसने अपर जोन को ब्रेक नहीं किया, आज अगर आप देखो तो लोअर जोन तक गया ही नहीं है। अब अपर जोन का प्राइस क्या है, तो अपर जो इसका जोन है वो आपका देखिए 25,200 का है, ठीक है। लेकिन भाई साहब अभी तो हम क्या हो चुके हैं, अभी हम यहाँ पे नीचे की साइड जो कि 24,970, यानी हमारा जो प्राइस था इस जगह 25,000 का, उसके नीचे हम इस जगह क्लोजिंग किए हैं, जो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन नेगेटिव साइन में हम ये समझ सकते हैं कि अब अगर ये इसके नीचे निकलता है, ये मल्टी टाइम सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था, इस जगह भी सपोर्ट लिया था और इस जगह भी सपोर्ट लिया था, जो कि आपका प्राइस बनता है 24,900 का, ठीक है। अगर ये 24,900 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है, जो कि एक इसका सपोर्ट जोन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं 24,750, ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट जोन देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। बाकी अगर मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे क्या चीज़ें हमको यहाँ पे समझ में आ रही है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट का चार्ट है, कल तक ये हमारे लिए क्या था, कल तक अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने क्या किया था, इसने ओपनिंग किया था जो हमारा 25,000 का लेवल है, जो हमारा साइकोलॉजी लेवल है, उसके ऊपर हम अच्छे से ट्रेड हो रहे थे। और पूरे दिन अगर आप देखो तो पूरे दिन हम देखिए यहाँ पे इसने अच्छा क्लोजिंग भी किया, ठीक है, लास्ट में जाके। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन गैप डाउन ओपन हुआ, फिर आपका ऊपर गए तो यहाँ तक वी रिकवरी, हम इसको क्या कहते हैं, वी रिकवरी। अगर नीचे आके एकदम इसने
तेजी दिखा दिया, तो नीचे जितने भी बायर थे उसने देखे यहाँ पे वी रिकवरी किया, ठीक है। वी रिकवरी करने के बाद इसने इस वाले लेवल को ब्रेक किया और फिर लास्ट में भी ये अच्छा गया, लेकिन आज के दिन फिर सेलिंग इसमें आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जे वाला जो जोन है, जे वाला जो हमारा देखिए 25,000 का जोन है, ये हमारा थोड़ा रेजिस्टेंट वाला जोन है और इसमें देखिए 100 पॉइंट आसपास हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा नंबर है और बड़े नंबर पे ज़्यादातर इस जगह सेलर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजी नंबर के बारे में नहीं पता होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी नया सेलिंग कहाँ से देखने को मिल सकता है, अगर ये आपका 24,900 को ब्रेक करता है, तो 24,900 को ब्रेक करने के बाद फिर हमको जो नीचे सपोर्ट देखने को मिलेंगे वो 24,850, फिर आपको एक जगह 24,800, फिर आपको देखने को मिलेगा एक जगह 24,700, ठीक है। यहाँ तक ये हमको सपोर्ट देखने को मिलेंगे, फिर हमारा जो मेन सपोर्ट है वो इस जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।